हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज रीजनिंग की वीडियो में हम देखने वाले हैं रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कथन निष्कर्ष। और अब मैं सेपरेट टॉपिक वाइज वीडियोस बनाऊंगा और जितने भी आपके एग्जाम चल रहे हैं या फिर आने वाले हैं, जैसे SSC GD का एग्जाम आने वाला है, तो जब तक आपका एग्जाम आएगा तब तक मैं आपको पूरा टॉपिक वाइज रीजनिंग का कोर्स कंप्लीट करा चुका हूँगा। और RPF के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो RPF वाले स्टूडेंट भी लगातार वीडियोज़ को देखते रहें। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दिया करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करें। लगातार वीडियो को देखिए, प्लेलिस्ट मैंने सभी की बना दी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लिया करें, वहाँ पर आपको मैथ की, रीजनिंग की और GK ऑनलाइन टेस्ट की भी वीडियोज़ के प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं आपको डेली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, आपके पास डेली नोटिफिकेशन भी पहुंचना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखिए, कथन निष्कर्ष से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और बहुत ही आसान चैप्टर होता है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, इस वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक, सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन से ही मैं आपको चीज़ें समझाता हुआ चलूँगा। यहाँ पे जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है, कथन दिया गया है इसमें सभी मेंढक कछुए हैं, कोई भी कछुआ मगरमच्छ नहीं है। तो इसका आप सबसे पहले एक वेन डायग्राम बनाएंगे। वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं, पहली लाइन आपने पढ़ी सभी मेंढक कछुए हैं, तो आप एक गोला बनाएंगे, ठीक है, और उसे मान लेंगे मेंढक, ठीक है। ये मेंढक का आपने बनाया और यहाँ पे बोला कि सभी मेंढक कछुए हैं, तो सभी मेंढक कछुए किस कंडीशन में हो सकते हैं, जब इस मेंढक वाले वेन डायग्राम को कछुए वाला जो डायग्राम हम बनाएंगे उससे कवर कर देंगे, ठीक है। तो इस गोले को दूसरे गोले से कवर किया, ये पहला मेंढक वाला गोला था और दूसरे वाला आपका कछुए वाला हो जाएगा, तो सभी मेंढक आपके कछुए हो गए हैं। दूसरी लाइन में आपसे बोला जा रहा है कोई भी कछुआ मगरमच्छ नहीं है, तो कछुए और मगरमच्छ में रिलेशन बताया जा रहा है। देखिए, कछुए वाला ये है आपका गोला और मगरमच्छ वाला अलग बनाएंगे, क्योंकि कोई भी कछुआ मेंढक नहीं है, इनके बीच में नहीं का रिलेशन है। तो जब नहीं का रिलेशन होता है तो दोनों गोले अलग अलग बनते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका जो कथन में दिया गया था उसका हमने एक वेन डायग्राम बना लिया। अब निष्कर्ष देखते हैं, निष्कर्ष क्या क्या निकल रहे हैं। पहला निष्कर्ष है कोई भी मगरमच्छ मेंढक नहीं है, तो भाई ये तो देखिए बिल्कुल आपका ठीक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मगरमच्छ और कछुए के बीच में कोई रिलेशन नहीं, तो मेंढक के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि मेंढक जो है वो टोटली कवर किसने किया गया, किसने किया है, कछुए ने। तो अंदर जो भी होगा इसके, उसका बाहर वाले के साथ में कोई रिलेशन नहीं होगा, चाहे उनके बीच में कोई चीज़ें बताई जाए या ना बताई जाए। तो पहला आपका राइट हो जाएगा, कोई भी मगरमच्छ मेंढक नहीं है, ठीक है, तो पहला आपका राइट हो जाएगा। दूसरे वाला है कोई भी मेंढक मगरमच्छ नहीं है, तो कोई भी मेंढक मगरमच्छ नहीं है, ये भी आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि अब की बार दूसरा बोल दिया गया है कोई भी मेंढक मगरमच्छ नहीं है या फिर कोई भी मगरमच्छ मेंढक नहीं है, तो दोनों ही आपके राइट हो जाएंगे, यानी कि आपका निष्कर्ष वन और निष्कर्ष टू दोनों लागू हैं, ठीक है। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों लागू हैं, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन ये समझ में आया होगा, अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो धीरे धीरे चीज़ें समझ में आती चली जाएगी, बस आप वीडियो को पूरा देखिएगा। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर टू है यहाँ पे और कथन दिया गया है, यदि वह कठोर परिश्रम करेगा तो वह जिंदगी में सफल हो जाएगा। तो कथन से क्या पता चलता है हमें कि कोई होगा, यदि वह जो है वो कठोर परिश्रम नहीं करता होगा, ये पता चल रहा है कि यदि वह कठोर परिश्रम करेगा तो वह जिंदगी में सफल हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब वो कठोर परिश्रम नहीं करता होगा, ठीक है। तो निष्कर्ष देखते हैं क्या क्या निकलते हैं। वह कठोर परिश्रम करने वाला व्यक्ति है, अगर वो कठोर परिश्रम करने वाला व्यक्ति होता तो कथन में ये नहीं बोला जाता कि यदि वह कठोर परिश्रम करेगा तो वह जिंदगी में सफल हो जाएगा, तो पहले वाला आपका रॉन्ग हो जाएगा। आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, कथन और निष्कर्ष का यही कॉम्बिनेशन होता है कि जो कथन में चीज़ें बोली गई हैं उससे रिलेटेड ही आपका निष्कर्ष निकलना चाहिए एक स्टेप आगे जाके, ठीक है। यहाँ पे एक बार और पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कथन में बोला जा रहा है यदि वह कठोर परिश्रम करेगा, यदि वह करेगा तो सफल हो जाएगा, अब जिंदगी में सफल हो जाएगा, और यदि नहीं करेगा तो वह सफल नहीं होगा, इसके पीछे ये भी निकलता है रीजन। तो इसका मतलब वो कठोर परिश्रम नहीं करता होगा, इसलिए बताया जा रहा है। अगर वो कठोर परिश्रम करता तो वो सफल हो ही जाएगा, इसमें तो बताने वाली फिर बात थी नहीं। दूसरे वाला आपका कठोर परिश्रम फल देता है, तो बिल्कुल कठोर परिश्रम फल देता है, इसलिए यहाँ पे जिंदगी में सफल होने की बात की जा रही है जो कठोर परिश्रम करेगा। तो सेकेंड वाला आपका राइट हो जाएगा, फर्स्ट वाला रॉन्ग, इसका मतलब आपका आंसर केवल सेकेंड वाला सही रहेगा।
आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए ये कुछ इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं कथन निष्कर्ष के, इनमें कोई भी आपको ऐसी शॉर्ट ट्रिक तो नहीं बताई जा सकती जिसमें आप कोई फॉर्मूला रखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, बस इसमें आपका लॉजिक देखा जाता है। मैं भी आपको थोड़ा लॉजिक ही बता सकता हूँ कि किस तरीके से आपको कथन को पढ़ना है और फिर उसको किस नज़रिए से देखना है, ठीक है। कथन में ही सब कुछ होता है, अगर कथन आपने पढ़ के और समझ लिया अच्छे तरीके से तो आप निष्कर्ष इजिली और बहुत ही जल्दी निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कथन निष्कर्ष का ये है आपका, पहली लाइन बोली गई कथन की, कोई मोबाइल घड़ी नहीं है। जब भी नहीं का रिलेशन होता है तो आप क्या करते हैं, कोई भी मोबाइल घड़ी नहीं है तो आपने एक मोबाइल का गोला बनाया और ये मोबाइल हो गया, और कोई भी मोबाइल घड़ी नहीं है तो आपने दूसरा घड़ी का बनाया बिल्कुल अलग हटा के, क्योंकि इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बताया गया है। तो इस तरीके से बताने के बाद में दूसरी लाइन में बोला गया है निष्कथन में, सभी घड़ियां गणक है। तो आप क्या करेंगे, सभी की सभी जो घड़ियां थी, घड़ी का जो गोला था उसको गणक वाले से पूरा कवर कर देंगे तो सभी घड़ी आपकी गणक हो जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से आप इस वेन डायग्राम को बना सकते थे। नेक्स्ट जो निष्कर्ष बोला गया है उसको ध्यान से पढ़िए, कोई गणक मोबाइल नहीं है। तो देखिए गणक और मोबाइल के बीच में कोई रिलेशन नहीं बताया गया है तो हम यहाँ पे कोई मोबाइल गणक नहीं है ये भी नहीं बोल सकते। अगर देखिए मोबाइल और गणक के बीच में कुछ रिलेशन नहीं बताया गया, ना तो ये बताया गया कि कुछ मोबाइल गणक है और ना ये बताया गया कि कोई मोबाइल गणक नहीं है, तो आप क्या करेंगे, उनके बीच में कोई भी निष्कर्ष बोला जाए तो आप उसको ट्रू नहीं करेंगे, यानी कि उसको राइट नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो पहले वाला आपका रॉन्ग हो जाएगा भाई, समझ में आया ना, यही चीज़ समझने की है इसमें। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, पहले वाला आपका राइट क्यों हुआ, क्योंकि इनके बीच में गणक और मोबाइल के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बताया गया। अगर किसी के भी बीच में कोई रिलेशन नहीं बताया जाता, ना तो उसमें कोई नहीं का रिलेशन होता और ना ही कोई है का रिलेशन होता, ठीक है। दूसरे वाला है कुछ गणक मोबाइल हैं, कुछ गणक मोबाइल हैं। तो देखिए गणक और मोबाइल के बीच में अभी भी कोई रिलेशन नहीं बताया गया था, तो कुछ गणक मोबाइल है या नहीं है। हाँ, अब इसमें एक दूसरा आपका निकल जाएगा, अब ये बन गया क्वेश्चन दूसरे टाइप का। अगर यहाँ पे पहले कथन तक ही सीमित रहता और गणक और मोबाइल के बीच में सिर्फ पहले कथन में ही बात की जाती, दूसरे में नहीं की जाती, तब तक तो आपका ये रॉन्ग था। बट अभी ये राइट किस कंडीशन में हो सकता है, यहाँ पे देखिए दोनों के बीच में रिलेशन तो कथन में नहीं बताया गया था, बट जो निष्कर्ष निकले वो दोनों के दोनों गणक और मोबाइल के बीच में ही निकले हैं। एक बार नहीं का रिलेशन निकला है और एक बार है का रिलेशन निकला है। इसका मतलब क्या होगा कि इनमें से या तो फर्स्ट वाला राइट होगा या सेकंड वाला राइट होगा। इस वाली कंडीशन में हम ये वाली चीज़ें लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी आपको दिया गया है, या तो निष्कर्ष वन या निष्कर्ष सेकंड सही होगा। अब यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट मार्क्स कर लीजिए, क्योंकि ये टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब एक बार और मैं इसको समझा देता हूँ। देखिए जब भी किसी दो के बीच में कथन में कोई निष्कर्ष कोई रिलेशन नहीं बताया जाता, जैसे गणक और मोबाइल के बीच में कथन में कोई रिलेशन नहीं बताया गया मोबाइल और गणक के बीच में, तो और निष्कर्ष में जो बताया गया है वो दोनों के दोनों बार, एक बार तो नहीं का रिलेशन और एक बार है का रिलेशन बता दिया गया, तो इस कंडीशन में ये ऑप्शन या लगा के राइट हो जाते हैं, या तो पहले वाला राइट होगा या सेकंड वाला राइट होगा। अगर समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन नंबर 3 नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि समझ में नहीं आया है। अगर समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए या फिर कमेंट कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, यहाँ पे कथन दिया गया है, कुछ चपरासी निर्धन होते हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि कुछ चपरासी निर्धन होते हैं और एक्स निर्धन है। तो अब यहाँ पे देखिए आप थोड़ा समझिए कि एक्स निर्धन है इसका मतलब ये तो नहीं है कि एक्स चपरासी है। जैसे निष्कर्ष में यहाँ पे बोला गया कि एक्स चपरासी है, तो एक्स चपरासी है इस चीज़ से ये कन्फर्म नहीं होता है कि एक्स निर्धन है तो एक्स चपरासी है, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं बोला गया कि सभी चपरासी निर्धन होते हैं। अगर ये बोला जाता कि सभी चपरासी निर्धन होते हैं एक्स निर्धन है, तो हम बोल सकते थे कि एक्स निर्धन है, ठीक है। तो पहले वाला आपका राइट हो जाता कि एक्स चपरासी है, बट यहाँ पे बोला कुछ चपरासी निर्धन होते हैं और एक्स चपरासी है, तो ये कहना गलत हो जाएगा, पहले वाला रॉन्ग हो जाएगा भाई। समझ में आया ना क्यों रॉन्ग हो गया। दूसरे वाला है कि एक्स का परिवार बड़ा है, तो बड़े और छोटे की तो बात ही नहीं की जा रही, तो ये तो खुद ही रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसका कथन से कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ बाहर से बोली जाती है, जैसे कथन में तो बात की जा रही है कुछ चपरासी निर्धन होते हैं और एक्स निर्धन है, तो यहाँ पे निर्धनता की बात की जा रही है कथन में, और निष्कर्ष में बात की जा रही है परिवार बड़े और छोटे की, तो वो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा।
एक्स चपरासी है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि एक्स निर्धन है और कुछ चपरासी निर्धन होते हैं, सभी चपरासी नहीं, कुछ चपरासी निर्धन होते हैं, तो ये कहना भी गलत हो जाएगा। तो दोनों निष्कर्ष आपके रॉन्ग रहेंगे। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, निष्कर्ष वन और ना तो निष्कर्ष वन और ना ही निष्कर्ष दूसरे वाला नहीं था, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कथन दिया गया है कि कुछ फोन घड़ियां होते हैं, कुछ फोन घड़ियां होते हैं, सभी घड़ियां बंदूकें होती हैं। तो आप क्या करेंगे, कुछ फोन घड़ियां होते हैं किस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले आप एक फोन का गोला बनाएंगे और कुछ फोन घड़ियां होते हैं तो हल्का सा कट लगा के कुछ फोन घड़ियां हो जाएंगे। भाई समझा आप इस चीज को, फोन और फोन में आपने हल्का सा कट लगा के बना दिया, कुछ फोन घड़ियां होते हैं। नेक्स्ट आपकी दूसरी लाइन में बोला जा रहा है सभी घड़ियां बंदूकें होती हैं। तो सभी घड़ियां बंदूकें किस कंडीशन में हो सकती है, जब आप ये घड़ी वाले वेन डायग्राम को एक बड़े से वेन डायग्राम से कवर करेंगे जो कि बंदूक वाला वेन डायग्राम होगा, तो सभी की सभी घड़ियां आपकी बंदूकें हो जाएंगी। अब इस वेन डायग्राम में दो तीन चीज़ें समझने वाली ये है कि देखिए, बंदूक और फोन का कोई रिलेशन नहीं बताया गया था, बट फिर भी रिलेशन निकल गया। किसके साथ में निकल गया, क्योंकि यहाँ पे घड़ी हल्का सा इसका जो कट लगा हुआ था, कुछ फोन घड़ियाँ हैं, तो इसी की वजह से बंदूक भी कुछ फोन हो जाएंगे, कुछ फोन बंदूक हो जाएंगे, ये वाली कंडीशन भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगी। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि भाई ये वाला पोर्शन तो देखिए इसके अंदर भी आएगा, और जब पूरी सभी की सभी घड़ियाँ बंदूक हो जाएंगी तो एक बंदूक इसको कवर करेगी, तो ये हल्का सा फोन भी हो जाएगा, बंदूक फोन भी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे निष्कर्ष देखते हैं निकाल के। निष्कर्ष है सबसे पहला, सभी बंदूकें घड़ियाँ होती हैं। तो सभी बंदूकें, देखिए बंदूकें यहाँ पे हैं और घड़ियाँ ये हैं, तो सभी की सभी घड़ियाँ बंदूकें हो सकती हैं, सभी की सभी बंदूकें घड़ियाँ नहीं हो सकती, क्योंकि सभी की सभी बंदूकें घड़ियाँ कब होगी, जब बंदूक के ऊपर कोई घड़ी वाला वेन डायग्राम आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे सभी के सभी घड़ियाँ बंदूकें हो सकती हैं, सभी की सभी बंदूकें घड़ियाँ नहीं हो सकती। समझे आप, भाई बंदूकें घड़ियां कब हो सकती है, जब बंदूक वाले वेन डायग्राम के ऊपर को घड़ी वाला वेन डायग्राम होता है, तो उस कंडीशन में सभी बंदूकें घड़ियां हो जाती, तो पहले वाला आपका रॉन्ग हो जाएगा, सभी बंदूकें घड़ियां नहीं होगी, तो ये गलत हो जाएगा। कुछ बंदूकें फोन होते हैं, तो कुछ बंदूकें फोन हो जाएंगे आपके, बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये कंडीशन ये कुछ वाली को सेटिस्फाई कर रहा है कि कुछ बंदूकें फोन है, तो इस वाले को हम राइट लगा सकते हैं, यानी कि सेकंड वाला आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, फर्स्ट वाला रॉन्ग। तो आप इसका देख लीजिए, केवल निष्कर्ष सेकंड निकलता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है कि कुछ पुस्तकें पत्रिकाएं हैं और कुछ पत्रिकाएं उपन्यास हैं। तो यहाँ पे भी आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, कुछ पुस्तकें पत्रिकाएं हैं, तो आपने पुस्तक वाले एक वेन डायग्राम बनाया, उसको हल्का सा कट लगा के कुछ पत्रिकाएं बना दिया, तो कुछ पुस्तकें पत्रिकाएं हैं और कुछ पत्रिकाएं उपन्यास है, तो ये भी आपने बना लिया। भाई देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है ना, तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि इसी टाइप के और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करानी है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे पुस्तकें हल्का सा कट लगाया, पत्रिकाएं हो गई, कुछ पुस्तकें पत्रिकाएं हो गई, और कुछ पत्रिकाएं आपकी उपन्यास भी हो गई, ये वाला आपका वेन डायग्राम पूरा बनके तैयार हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे मैं पहले आपको थोड़ा समझाता हूँ। देखिए, इसके बीच में और इसके बीच में कोई भी रिलेशन बोला जाएगा, वो है में बोला जाए या नहीं में बोला जाए, वो नहीं बताना है, मतलब कि इनके बीच में हमें नहीं पता है कि राइट इनके बीच में रिलेशन एक्चुअल में है क्या। तो जब इनके बीच में कोई रिलेशन कथन में दिया नहीं गया, तो निष्कर्ष में भी हम इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं निष्कर्ष, यहाँ पे पढ़ के क्या क्या निष्कर्ष दिए गए हैं। पहला निष्कर्ष है कुछ पुस्तकें उपन्यास है, तो पुस्तकें और उपन्यास के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बताया गया था, तो इसलिए मैं आपको पहले बता दिया था कि इनके बीच में कोई भी रिलेशन बोला जाए तो वो हम नहीं मानेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि कथन में नहीं दिया गया है, तो कुछ पुस्तकें उपन्यास है ये गलत हो जाएगा। दूसरे वाला है कुछ उपन्यास पत्रिकाएँ हैं, तो कुछ पुस्तकें कुछ उपन्यास पत्रिकाएँ हैं ये आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच में तो रिलेशन है ही कुछ वाला, तो ये आपका सेकेंड वाला राइट हो जाएगा, फर्स्ट वाला रॉन्ग हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाने हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिपाही अपने देश की सेवा करते हैं, जो सिपाही होते हैं वो अपने देश की सेवा करते हैं, छात्र सिपाही नहीं है। तो अब निष्कर्ष में देखते हैं क्या है, क्या निकलता है। छात्र अपने देश की सेवा नहीं करते, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कथन के अकॉर्डिंग सिपाही देश की सेवा करते हैं। यहाँ पे अपने ना अपना थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा दिमाग चलता है, हम कुछ फीलिंग्स के साथ में चले जाते हैं, वो फीलिंग्स में कथन निष्कर्ष बिल्कुल भी इम्प्लीमेंट नहीं करना है,
यानी कि आप सोचेंगे कि सिपाही मतलब जो छात्र है वो भी तो देश की सेवा कर सकते हैं या करते हैं, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। आपको सिर्फ कथन पे जाना है, कथन में क्या बोला गया है। कथन में बोला जा रहा है सिपाही अपने देश की सेवा करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि सिपाही अपने देश की सेवा करते हैं, बाकी के बारे में यहाँ पे किसी के बारे में बताया नहीं गया है। और यहाँ पे बोला छात्र सिपाही नहीं है, इसका मतलब छात्र देश की सेवा नहीं करते हैं, ठीक है। तो छात्र अपने देश की सेवा नहीं करते हैं, तो इसका मतलब ये आपका राइट हो जाएगा भाई, ठीक है। तो पहले वाला आपका राइट हो जाएगा, छात्र अपने देश की सेवा नहीं करते हैं क्योंकि छात्र सिपाही नहीं है, ठीक है। और दूसरे वाला है कुछ छात्र अपने देश की सेवा करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये बताया गया कि छात्र सॉरी सिपाही अपने देश की सेवा करते हैं, तो कुछ छात्र देश की सेवा नहीं करते, ना कोई भी छात्र देश की सेवा नहीं करता, क्योंकि छात्र के बारे में यहाँ पे बताया गया कि वो सिपाही नहीं है, ठीक है। तो पहले वाला राइट हो जाएगा, दूसरा रॉन्ग हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कुछ फोन घड़ियां होते हैं, सभी घड़ियां बंदूकें होती हैं, तो कैसे बनाएंगे आप इसका वेन डायग्राम। कुछ फोन घड़ियां होते हैं, तो आप क्या करेंगे, घड़ी का एक वेन डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले, ठीक है। एक घड़ी का आपने वेन डायग्राम बनाया, फिर बोला जा रहा है कि कुछ घड़ियां, देखिए दोबारा पढ़ते हैं, कुछ फोन घड़ियां होते हैं, तो आप सबसे पहले फोन का एक वेन डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद कुछ फोन घड़ियां हैं, तो इस तरीके से हल्का सा कट लगा के ये बना देंगे। कुछ फोन घड़ियां होते हैं, आपका पहला स्टेप ये था। दूसरे वाला जो लाइन बोली गई, सभी घड़ियां बंदूकें होती हैं, तो सभी के सभी बंदूकें घड़ियां कब हो सकती हैं, जब घड़ी के ऊपर को आपका बंदूक वाला वेन डायग्राम आ जाएगा, तो इस कंडीशन में सभी घड़ियां बंदूकें हो जाएंगी। तो ये आपका पूरा वेन डायग्राम बन के तैयार हो गया। इसको बनाना कोई हार्ड नहीं था, सबसे पहले बोला गया कि कुछ फ़ोन घड़ियां होते हैं, तो आपने फ़ोन का बनाया, हल्का सा कट लगाया, कुछ फ़ोन घड़ियां होते हैं, उसके बाद बताया गया था कि सभी घड़ियां बंदूकें होती हैं, तो सभी घड़ियां बंदूकें हो जाएंगी इस तरीके से। उसके बाद निष्कर्ष यहाँ पे क्या निकल रहा है, सभी बंदूकें घड़ियाँ होती हैं। निष्कर्ष क्या है, सभी बंदूकें घड़ियाँ होती हैं, तो देखिए सभी के सभी बंदूकें घड़ियां नहीं हो सकती, क्योंकि किस कंडीशन में सभी बंदूकें घड़ियां होंगी, जब बंदूकों के ऊपर को आपका घड़ी वाला वेन डायग्राम बन के आएगा, तो इस कंडीशन में सभी बंदूकें घड़ियां हो जाएंगी। फिर दूसरे वाला बोला जा रहा है यहाँ पे, कुछ बंदूकें सॉरी दूसरे वाला है यहाँ पे, कुछ बंदूकें फ़ोन होते हैं, तो ये बिल्कुल आपका देखिए कुछ बंदूकें फ़ोन होते हैं, तो कुछ बंदूकें फ़ोन आपका बिल्कुल सही है, ये वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड वाले शायद यार मैं करा चुका हूँ क्या ये क्वेश्चन, मेरे को लग रहा है, तो ये आपका राइट हो जाएगा, और सभी बंदूकें घड़ियाँ हैं, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी, ठीक है। अगर ये दोबारा रिपीट हुआ है तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और आज की वीडियो में था इतना ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए, और आगे भी इसी तरीके की डेली वीडियोस लेने के लिए, देखिए मैं आपको बता दूं 9 से 10 के बीच में तो डेली जीके का लाइव टेस्ट चलता है टॉपिक स्टडी चैनल पे, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कौन रखेगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। फिर दिन में आपको मैथ और रीजनिंग की वीडियो मिलती है डेली, जिससे आपको किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने गवर्नमेंट एग्जाम की, तो आपके अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी अगर आप डेली वीडियो देखते हैं, एक भी दिन की वीडियो मिस नहीं करते हैं, ठीक है। और आप टेलीग्राम से PDF डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी वीडियो का, बस वहाँ पर टेलीग्राम पर जाना है, टॉपिक स्टडी सर्च करना और आपको सारी PDF मिल जाएगी। और अगर आपका कोई भी डाउट रहता है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम पर जाकर SourabhMalik17 के सर्च करके आप वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, और जो पूछना है वो वहां पे जाके पूछ सकते हैं। फेसबुक पे भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, बस सर्च करना है सौरभ मलिक और आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।